हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, यहाँ पे हम इस मेकअप लुक को आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि हमने इस मेकअप लुक को किस तरह से क्रिएट किया है। यहाँ पे हम इस वीडियो में एंगेजमेंट मेकअप लुक दिखाएंगे कि हम यहाँ पर हमारा जो मेकअप हो या ये आप एंगेजमेंट में आसानी से इस मेकअप को कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी टच करें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब लोगों को मिलती रहे। तो गाइज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने इस मेकअप लुक को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किया है, हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। हमारे इस वीडियो को बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हमने इस मेकअप लुक को किस तरह से क्रिएट किया है। यहाँ पे हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे मेकअप को। आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी, तो हमारे इस वीडियो को एंड तक बने रहे। हमारे इस वीडियो में आप अपने बाल को इस तरह से पीछे कर लो, क्लचर लगा के कोई भी। अब यहाँ पर पहले अपने फेस को धुल लो, इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे मॉइस्चराइजर। यहाँ पे आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, आपके पास जो भी है आप यूज कर सकते हो। ज़्यादातर आप अच्छा ही मॉइस्चराइजर यूज करें, जिससे आपके मेकअप जो है काफ़ी देर तक टिके रहे। यहाँ पे नेक और फेस पे हम अच्छे से मॉइस्चराइजर हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम लगाएँगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल है हमारा प्राइमर का काम करता है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। यहाँ पे हम एलोवेरा जेल लिए हैं और अपने फेस और नेक पे अच्छे से एलोवेरा जेल को अप्लाई कर देंगे हल्के हाथों से मसाज करते हुए। हमें अपने नेक एरिया को नहीं भूलना है, जो भी करना है हमें नेक पे भी अच्छे फेस और नेक को दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों में मेकअप करना है। अब यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिलअप करेंगे। यहाँ पे हम एडीएस का आईब्रो पेंसिल लिए हैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिलअप करने के लिए। हमारे पास जो भी मेकअप है हमने उसी से आपको इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। अपने आईब्रोज को अच्छे से फिलअप कर दो। अब यहाँ पे लेंगे हम आईब्रो ब्रश। इससे इसको करने से हमारे जो आईब्रोज हैं बहुत ही नेचुरल लुक आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप ज़रूर करना ना भूलें, इसे आप ज़रूर करें। इस तरह से हम अपने आईब्रोज को आईब्रो ब्रश से फिलअप करेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमारा जो एलोवेरा जेल है वो अच्छे से हमारे फेस पे ऑब्जर्व हो चुका है। अब यहाँ पे हम हल्का सा कलर बार का प्राइमर लिए हैं।
अगर आपको पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम हल्का प्राइमर भी आपको इस वीडियो में लगाने के लिए बताएंगे। यहाँ पे हम बहुत ही हल्का थोड़े से क्वांटिटी में हल्का सा प्राइमर लिए हैं और अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर देंगे अच्छे से। यहाँ पे हमारा जो प्राइमर है अच्छे सेट हो गया है। अब यहाँ पे हम लेंगे फिटमी का फाउंडेशन। यहाँ पे अपने हाथों पे इस तरह लेंगे और जितना भी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बहुत ही लाइट रखना है। एंगेजमेंट मेकअप जो होता है वो दिन में होता है, तो आप बहुत ज़्यादा हैवी ना करें, नहीं तो आपका मेकअप जो है बहुत ही बेकार सा लगेगा। इसलिए आप बहुत ही फाउंडेशन ज़्यादातर आप बहुत कम क्वान्टिटी में यूज करें। इस तरह से फेस और नेक पे हम फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे स्पॉन्ज की हेल्प से हम अपने फाउंडेशन को अच्छे से टैप टैप करते हुए अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। हम स्पॉन्ज को पहले हमें पानी में भिगोना है, उसके बाद निचोड़ के अच्छे से इसके बाद ही हमें हम स्पॉन्ज को अपने फेस पे यूज करें। यहाँ पे इस तरह से हमने एक और फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशन है वो हम अच्छे से अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे हम पैन केक लिए हैं कलर बार का, इस तरह से हल्का लेंगे स्पॉन्ज में और इस तरह से आईलिड के ऊपर और अपने पूरे फेस पे हल्के हल्के हाथों से इसे टैप टैप करते हुए अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे। इस तरह से अपने फेस पे फाउंडेशन को हम अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम फिटमी का कंसीलर लिए हैं, मेबलिन फिटमी कंसीलर। जहाँ पे आपके डार्क स्पॉट्स या ब्लैक हेड्स हो वहाँ पे आप सॉरी ब्लैक हेड्स नहीं डार्क सर्कल्स या कोई भी दाग धब्बे स्पॉट्स हो आप वहाँ पे इस तरह से कंसीलर को लगाएं और टैप टैप करते हुए स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई कर दें। इस तरह से हम जिस तरह दिखा रहे हैं हमें सेम इसी तरह से टैप टैप करते हुए अपने फेस पे कंसीलर को अप्लाई कर लेना है। गाइज अगर हम इस वीडियो में बोलने में कोई भी गलती कर दिए हो तो प्लीज़ सॉरी माफ कर देना। यहाँ पे हम कंसीलर को अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लैक्मे का कॉम्पैक्ट लिए हैं, इस तरह से ब्लॉन्जर की हेल्प से अपने चीक एरिया पे और नोज एरिया पे अपने इस तरह से हम कॉम्पैक्ट को लगा देंगे अच्छे से, पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। अपने नेक एरिया को नहीं भूलना है, नेक एरिया पे भी हम इस तरह से कॉम्पैक्ट को लगाएंगे। कॉम्पैक्ट लगाने से हमारा मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और बहुत ही अच्छा निखार आता है। अब यहाँ पे आई मेकअप बताएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे टेप, दोनों आईज में इस तरह से हमको टेप लगाना है। अब हम अपने आईलिड के ऊपर कंसीलर लगाएंगे, अपने टेप को इस तरह से हम अच्छे से चिपका लेंगे, अच्छे से चिपकाएंगे। अब यहाँ पे हम कंसीलर लेंगे और अपने आईलिड के ऊपर बहुत ही हल्का हमको कंसीलर इस तरह से कंसीलर को अप्लाई कर देंगे आईलिड के ऊपर। यहाँ पे स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इस तरह से टैप टैप करते हुए अपने कंसीलर को इस तरह से अप्लाई कर देंगे अच्छे से, जिससे हमारा कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए हमारे आईलिड के ऊपर। अब यहाँ पर लेंगे हम फ्लैट
फ्लैट ब्रश और इस तरह से अपने कंसीलर को इस तरह से पूरे आई लिड्स के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। और अपने आईब्रोज को नहीं भूलेंगे हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पे इस तरह से अपने आईब्रोज को भी अच्छे से लगाना है यहाँ नीचे, और इससे हमारे आईब्रोज जो है बहुत ही अच्छे से निखर के आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हमें सेम ऐसे करना है, इस स्टेप को ना भूलें। यहाँ पे स्पॉन्ज लेंगे और स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरह से टैप टैप करते हुए अपने कंसीलर को हम अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा जो कंसीलर है वो अच्छे से हमारे आईलेट के ऊपर इस तरह से अच्छे सेट हो जाए। यहाँ पर हम कंसीलर को सेट कर चुके हैं, इस तरह से अपने आईब्रोज को हाईलाइट कर देंगे कंसीलर से। इस तरह से हमारा जो आईब्रोज का लुक है बहुत ही अच्छा हो लगता है। तो आप इस स्टेप को फॉलो ज़रूर करें। यहाँ पे हम लेंगे लैक्मी का कॉम्पैक्ट और इस तरह से फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आईलिड के ऊपर इस तरह से लगा देंगे, जिससे हमारा कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे इस तरह से हम फ्लैट ब्रश से अपने ब्रश की हेल्प से कंसीलर को अप्लाई कर चुके हैं, अपने आईलेट के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा कंसीलर हो गया शेड, अब यहाँ लेंगे और अपने पिंक शेड लेंगे और हम ब्लेंडिंग ब्रश से इस तरह से ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो वीडियो है यहाँ पे अप्लाई करते हुए हमारा वीडियो कट गया है, सॉरी माफ़ कर देना, यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए तो सॉरी। यहाँ पे हमारे फेस पे हल्का सा लिपस्टिक लग गया था तो उसे हम इस तरह से स्पॉन्ज की हेल्प से उसे हम यहाँ पे लेंगे मेकअप फिक्सर से इस तरह से अपने फ्लैट ब्रश को हल्का सा गीला करेंगे। यहाँ पे गोल्डन आई शेडो लेंगे, गोल्डन कलर लेंगे और इस तरह से अपने आई लिड पे अप्लाई करेंगे। पहले हमें पिंक शेड से इस तरह से ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई करना है, जिस तरह से हम वीडियो में किए आई लिड पे किए हैं। इसके बाद इसके ऊपर हमें गोल्डन शेड लगाना है। इस तरह से हम गोल्डन शेड को लेंगे और इस तरह से अपने आई लिड के ऊपर अप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो भी फिंगर के हेल्प से भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। हमें दूसरे आई लिड पे भी इसी तरह से करना है, इनर कॉर्नर से स्टार्ट करना है और इस तरह से अपने आई लिड के ऊपर यहाँ पे हाफ हमें लगाना है, पूरे आई लिड पे हमें नहीं लगाना है। अच्छे से हम आई लिड के ऊपर गोल्डन सेट को अप्लाई कर देंगे अच्छे से। आप चाहे तो ग्लिटर भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हम लेंगे ब्लेंडिंग ब्रश और यहाँ पे हम हल्का सा पिंक शेड लेंगे और इस तरह से अपने आई कॉर्नर पे रखेंगे और इस तरह से ब्लेंडिंग ब्रश से हमें ब्लेंड कर देंगे, जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा मेकअप है वो आई शेडो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इस तरह से हम ब्लेंड कर देंगे और दूसरे आई लिड पे भी हमें इस तरह से ब्लेंड करना है। आई कॉर्नर पे रखेंगे और इस तरह से ब्लेंड कर देंगे अपने आई शेडो को। अब यहाँ पे हम परसोनी का लिए हैं लाइनर, इस तरह से हम पहले एक हल्का सा लाइन खींचेंगे अपने आईज
इस तरह से हल्का सा लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इस तरह से इनर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे लाइनर को लगाना। अब यहाँ पे हल्का से इस तरह से लाएंगे और इस तरह से अपने आईलाइनर को लगा देंगे। इस तरह से दूसरे आईज में भी इस तरह से हम आईलाइनर को अप्लाई कर देंगे लगाएंगे अच्छे से। यहाँ पे लाइनर को हम लगा चुके हैं। यहाँ पे हम अपने टेप को निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट लेके जहाँ पे हम टेप लगाए थे वहाँ पे हमारा मेकअप जो है हल्का सा डल पड़ गया था, वहाँ पे इस तरह से ब्लॉन्जर की हेल्प से कॉम्पैक्ट लेंगे और अपने फेस पे इस तरह से लगा देंगे जहाँ पे हम टेप लगाए थे। अब यहाँ पे हम लेंगे काजल। यहाँ पे इस तरह से अपने वाटर लाइन के ऊपर इस तरह से काजल अप्लाई कर देंगे। दोनों आईज में भी इस तरह से हम काजल को अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे अच्छे से। यहाँ पे हम अपने काजल को अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा काजल लग चुका है। अब यहाँ पे लेंगे हम जो हम हल्का सा पिंक शेड दिए थे पहले अपने आईलेट के ऊपर, इस तरह से हल्का सा हम ब्रश की हेल्प से इस तरह से पिंक शेड लेंगे और अपने इस तरह से अंडर आईलेट पे इस तरह से हम पिंक शेड को अप्लाई करेंगे। इससे हमारा जो आई मेकअप है बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे करना ना भूलें, इस स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करें। इस तरह से हम अप्लाई कर चुके हैं, हमारा मेकअप कुछ इस तरह से दिखेगा आई मेकअप। अब यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो भी आपका ग्लिटर है अगर गिर गया हो तो आप हल्का सा इस तरह से कॉम्पैक्ट लीजिए और अपने फेस पे हल्के हाथों से इस तरह से अप्लाई कर दें। Thank you.
अब यहाँ पे हम लेंगे हम मस्कारा, यहाँ पे मेबलिन का हम मस्कारा लिए हैं। आप अपने आई लेसेस पे इस तरह से हम मस्कारा लगाएंगे। इस तरह से दूसरे आई लेसेस पे इस तरह से हम मस्कारा लगा देंगे। यहाँ पे अंडर आई लेसेस पे भी इस तरह से हम मस्कारा को लगाएंगे। दोनों आईज में भी हमें इस तरह से करना है। यहाँ पे हमारा आई मेकअप होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे लेंगे हम ब्लशर। यहाँ पे हम अपने ड्रेस के हिसाब से ब्लशर यूज करेंगे। हमारा ड्रेस है पिंक, यहाँ पे हम पिंक शेड लेंगे और अपने चिक एरिया पे इस तरह से ब्लशर को लगाएंगे अच्छे से। ये अगर आपके पास हाइलाइटर ब्रश ना हो तो आप इस तरह से क्लिप लगा सकते हो। इस तरह से हम लगा दिए, यहाँ पे हाइलाइटर ब्रश बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे अपने चिक एरिया को और नोज़ एरिया को हाइलाइटर कर देंगे, हाइलाइट करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमें चिक एरिया पे हाइलाइट करना है। अब हम हल्का सा हाइलाइटर लेंगे और अपने नोज के ऊपर इस तरह से अपने नोज को हाइलाइट करेंगे। यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर हमें हल्का हल्का हाइलाइट करना है और अपने लिप के ऊपर भी हाइलाइट करेंगे। चीक एरिया और इस तरह से हम लिप एरिया के ऊपर इस तरह से हल्का सा हाइलाइट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से इनर कॉर्नर के में अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर देंगे अच्छे से। अब यहाँ पे लेंगे अपने लिप को फिलअप करने के लिए लेंगे पहले लिप लाइनर। यहाँ पे हम पिंक शेड का लिप लाइनर यूज किए हैं अपने लिप को फिलअप करने के लिए। इस तरह से अपने लिप को इस तरह से लाइनिंग बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से लिप लाइनर लगा लेंगे अपने लिप पे। इस तरह से लिप लाइनर से अपने लिप के अंदर इस तरह से हम फिलअप कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे लिपस्टिक। यहाँ पे हम कलर बार का लिपस्टिक लिए हैं पिंक शेड और अपने लिप के अंदर इस तरह से फिलअप कर देंगे लिपस्टिक को। अब यहाँ पे लेंगे मेकअप फिक्सर अपने मेकअप को सेट करने के लिए। यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप है मेकअप फिक्सर। अपने फेस के कुछ दूर पे इस तरह से मेकअप फिक्सर को रखेंगे, अपने मेकअप को सेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को सेट कर देंगे।
और यहाँ पे लेंगे स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरह से मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद इस तरह से स्पॉन्ज की हेल्प से टैप टैप करते हुए अपने फेस पे इस तरह से करेंगे। इस स्टेप को करना ना भूले, इससे हमारा जो मेकअप है अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है फेस पे, हमारा जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग रहता है, आपका मेकअप काला नहीं पड़ेगा इस स्टेप को करने से। इस तरह से अब हम आपको बताएंगे हेयर स्टाइल। यहाँ पे आप कोई भी हेयर स्टाइल लुक दे सकते हो, यहाँ पे हम आपको हेयर स्टाइल लुक भी दिखाएंगे इस वीडियो में, आप किस तरह से हेयर स्टाइल लुक क्रिएट कर सकते हो गाउन के ऊपर। यहाँ पे इस तरह से हल्के बालों को हम अपने पहले आगे कर देंगे और यहाँ पे हल्का बाल लेंगे उठाएंगे और इसे कॉम्ब की हेल्प से हल्का सा अपने बाल अपना हल्के से इस तरह से हम अपने बालों को हल्का सा उलझाएंगे। इस तरह से हमें करना है। यहाँ पे लेंगे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा बाल करके हमें अपने बालों को उलझाना है। इस तरह से हल्के हल्के बालों को लेंगे और अपने बालों को इस तरह से उलझाएंगे कॉम्ब की हेल्प से। अब यहाँ पे लेंगे हम हेयर स्प्रे और इस तरह से कुछ दूर रखते हुए अपने जहाँ पे हम अपने बालों को उलझाए हैं वहाँ पे इस तरह से स्प्रे करेंगे। इससे जो है हमारा हेयर काफ़ी टाइम तक अच्छे से टिका रहता है। हमारे बाल जो है जो भी हम अपने बालों में लुक दिखाएंगे वो आपके स्प्रे करने से आपके बाल अच्छे से वैसे ही बने रहेंगे। इस तरह से साइड साइड से हमें हल्का हल्का बाल निकालना है। आप इस तरह से पफ दे सकते हो या आप साइड पफ दे सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर हम मांग टीका लगा रहे हैं। इस तरह से हम अपने बाल को साइड करेंगे और यहाँ पे हम साइड पफ बनाएंगे। कुछ इस तरह से हमें पफ बनाना है। यहाँ पे हल्का बाल अपने साइड साइड से निकाल देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे क्लिप। इस तरह से हम साइड में भी जो हमारा बाल है इस तरह से लेंगे, हल्का हल्के बाल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से कॉम्ब की हेल्प से उसे भी हल्का सा उलझाएंगे और वहाँ पे स्प्रे करके उसे भी इस तरह से पफ बनाते हुए साइड पफ बनाते हुए अपने बालों को इस तरह से लुक देंगे। बहुत ही ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस हेयर स्टाइल को ज़रूर कर सकते हो, आपके जो हेयर है बहुत ही सुंदर लगेंगे। इस गाउन के ऊपर हमारा जो ये हेयर स्टाइल है बहुत ही सुंदर लगता है। हमें इस तरह से अपने बाल को हल्का सा फोल्ड करते हुए साइड लाना है और यहाँ पे हम क्लिप की हेल्प से इसे क्लिप लगा देंगे। हमारा बाल जो है अच्छे से कवर हो चुका है। यहाँ पे हम इस साइड से भी हल्के हल्के बाल निकाल देंगे। अब इस तरह से हम पोनीटेल बनाएंगे और यहाँ पे हेयर स्प्रे कर देंगे अच्छे से, हमारा जो हेयर है वो अच्छे सेट हो जाए। अब यहाँ पे लगाएंगे हम पीछे रबर बैंड। अब यहाँ पे हम लेंगे जूड़ा पफ, इस तरह से इस तरह डालेंगे बालों के ऊपर और अपने बालों को इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से जूड़ा बना लेंगे। यहाँ पे हम रबड़ बैंड लेंगे और इस तरह से जूड़ा के ऊपर इस तरह से डालना है। अपने बालों को इस तरह से अच्छे सेट कर देंगे। अच्छे से हम जूड़ा बना देंगे। इस तरह से दो भागों में अपने बालों को डिवाइड करना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए जूड़ा पिन लगा देंगे। जूड़ा पिन से अपने बाल को इस तरह से अच्छे सेट कर देंगे, बना देंगे
जिससे हमारा जो एयर है काफ़ी टाइम तक टिका रहे। इस तरह से फोल्ड करते हो, यहाँ पे हम लगाएंगे जोड़ा पिन। अब यहाँ पे हम पहनेंगे इयररिंग। यहाँ पे हम इयररिंग पहन चुके हैं। इस तरह से हमारा मेकअप कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम रिंग पहन लेंगे, दोनों हाथों में हम रिंग पहन लेंगे। आप चाहे तो जूड़ा के साइड में गजले भी लगा सकते हो, इसके आपके जो हेयर स्टाइल है बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमारे पास तो अभी नहीं था तो हम नहीं लगाए, तो अगर आपके पास हो तो आप एंगेजमेंट मेकअप लुक में इस तरह से लगा सकते हो। इस तरह से हमारा मेकअप कंप्लीट होता है गाइज। यहाँ पे हमारा मेकअप कंप्लीट होता है गाइज। ये है मेरे मेकअप का फाइनल लुक। आप इस मेकअप लुक को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे हम बहुत ही लाइट मेकअप बताए हैं, बहुत ही डार्क मेकअप नहीं बताए हैं, जिससे आप ये मेकअप एंगेजमेंट हमारा जो है दिन में होता है, तो आप इस मेकअप को दिन में भी अच्छे से कर सकते हो। इससे जो हमारे मेकअप है बहुत ही अच्छे दिखेंगे और बहुत ही सुंदर लगेगा आपका फेस। इस तरह से आप कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा यह मेकअप लुक कैसा लगा। तो गाइज अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए नए मेकअप के साथ और नए नए होम रेमेडीज़ के साथ, ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक लिए बाय बाय, लव यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।